नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का जो सीबीई वर्कशीट आया 2024-25 का वर्कशीट संख्या 7 लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा जो वर्कशीट संख्या 7 जो है उसमें दिया हुआ है भिन्न और घटाओं से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना। सोनिया ने गणित के प्रश्नों का एक सेट 3/20 पूरा किया। गणित के प्रश्नों के एक ही सेट पर अलग अलग काम करते हुए कविता ने इसका 3/20 भाग पूरा किया, यह मानते हुए कि उन्होंने किसी भी समान प्रश्नों को हल नहीं किया। गणित के प्रश्नों के सेट का कितना भाग उन्होंने एक साथ पूरा किया, अर्थात कह रहा सोनिया कंप्लीटेड 320 ऑफ सेट ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वर्किंग सेपरेटली ऑन द सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम। कविता कंप्लीटेड 9/20 ऑफ इट एज्यूमिंग दैट दे डिड नॉट सॉल्व एनी ऑफ देम सेम प्रॉब्लम। What fraction of the set of mathematical problem did they complete together? कह रहा है जो कि कविता मतलब सोनिया किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का 3/20 भाग कंप्लीट करती है और जबकि कविता 9/20 कंप्लीट करती है। और कह रहा है दोनों मिलकर के कोई भी ऐसा सवाल एक ही सेट का कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि दोनों से किया हुआ है, यानी दोनों ने सेपरेट किया, ये कोई अलग सवाल बना है ये कोई अलग सवाल बना है। अब कह रहा है जो कि कंप्लीट टुगेदर यानी एक साथ, तो एक साथ के लिए हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। नीचे देखिए डिनोमिनेटर यदि सेम है तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर यानी 20 में से 3 भाग किया, 20 में से ये 9 भाग किया, तो टोटल 20 में से ये 3 और 9 हो जाएगा यानी 12/20 हो गया। 12/20 को यदि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से कट जाएगा, ये 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20 यानी 3/5 पार्ट्स उसने कंप्लीट किया दोनों मिलकर के। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है तो इस तरह से 3/5 पार्ट्स उसने किया। अब इसी पे आधारित सवाल दिए गए, कह रहा है इसको पूरा करने के लिए तो सबसे पहले देखिए 3/4 है, इसको 4/5 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस में 1/2 है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। मल्टीप्लाई जो होता है ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ होता है, और माइनस 1/2। अब ये देखिए ऊपर और नीचे में किसी से कट रहा है, ये कट रहा है तो ये हो जाएगा 3/5 और माइनस 1/2। अब नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डिफरेंट के लिए एक जैसे बनाना है, यानी इसको 2 से और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जिससे नीचे के उससे ऊपर भी करना होगा, तो इस तरह से हो जाएगा नीचे में 10 हो जाएगा और 3 × 2 = 6 में से 5 गया तो 1/10 जो कि ऑप्शन नंबर ए में मतलब डी में सही दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब अगला है कह रहा है जो कि यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको 5/7 अलग है और फिर ब्रैकेट में 5/14 और × 6/21 है। आप ऐसे भी पहले ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ऐसे भी देखिए ऊपर और नीचे में किस पहाड़े में दोनों जा रहा है, तो यहाँ पे 2 से जा रहा है, 2 × 2 = 3 जा ये होता है और 2 × 7 जा ये 14 होता है। अब ये और ये 3 से जा रहा है तो 3 कॉमन फैक्टर है इसके दोनों के, तो 3 × 1 = 3 और ये 7 हो जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 5/7 प्लस 5/7 = 49। अब LCM लेंगे तो ये 49 इसको 7 से करना होगा, तो जिससे ऊपर करेंगे नीचे भी वही, जिससे नीचे करेंगे उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 35 हो जाएगा और प्लस 5, तो इस तरह से हो जाएगा 40/49। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसमें इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 4 चिल्ड्रेन ऑर्डर देयर ऑन स्मॉल पिज्जा ऑफ द सेम साइज के पिज्जा को उसने ऑर्डर दिया। कविता एट्स ये 5/7 पार्ट्स खाई, कविता बबीता खाई 9/20, सविता 7/15, कविता 3/10। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द पिज्जा इटेन। तो लार्जेस्ट तभी निकल पाएगा जब सबका डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो 7, 20, 15 और 10 का LCM निकाल लें। यहाँ पे 7, 20, 15 और 10 का LCM निकालेंगे तो
तो एलसीएम के लिए देखिए इस सब में किस पहाड़े में सभी जा रहा है, कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है। तो तीन किस में जा रहा है, तो फाइव के टेबल से ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये सेवन का सेवन रहा, फाइव फोर जा, फाइव थ्री जा और फाइव टू जा। अब दो किस में जा रहा है, टू से जा रहा है, तो यहाँ पे टू लिखे, तो ये सेवन, ये टू, ये थ्री और ये वन। अब कोई नहीं जा रहा, अलग अलग ही है, तो एक किस से जा रहा है, सेवन से जा रहा है, फिर दो से जा रहा है एक, फिर एक से जा रहा है, यानी यहीं पे भी आप छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे। तो इसका एच सी एफ क्या, मतलब एल सी एम हो जाएगा फाइव इंटू टू इंटू सेवन इंटू टू इंटू थ्री, थ्री टू सेवन। अब इस सबको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स, सेवन जा फोर्टी टू, फोर्टी टू को टेन से करेंगे तो चार सौ बीस। तो सबको चार सौ बीस बना, फोर टू जीरो सबको लास्ट में बनाना है। तो देखिए फाइव बाय सेवन था, ये कविता का था, नाम भी लिख ले, ये रविता का था, कविता नहीं रविता का था, ये रविता। दूसरा आपको बबीता का नाइन बाय ट्वेंटी था, बबीता नाइन बाय ट्वेंटी, और सविता सेवन बाय फिफ्टीन, ये सविता सेवन बाय फिफ्टीन। और अगला है कविता थ्री बाय टेन, वैसे आप बनाना चाहें तो देखिए हम यदि डायरेक्ट बनाना चाहें तो उसके अलग तरीके हैं। इसमें देखिए किसमें सबसे कम गैप है, दो का, इसमें ज़्यादा का है, इसमें ज़्यादा का है, इसमें ज़्यादा का है, तो सबसे ज़्यादा कविता ने खाया है। आप इसको मैथमेटिकली 420 बनाना है सबको डिनोमिनेटर में, तो पाँच अपॉन में सात है, तो इसको 420 बनाने के लिए सेवन छोड़ दीजिए, बाकी फाइव टू जा टेन और थ्री टू जा सिक्स, सिक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, तो सिक्सटी से दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। और दूसरा है नाइन बाय ट्वेंटी। अब ट्वेंटी देखिए यहाँ पे जो आपने लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, ट्वेंटी में देखिए फाइव फाइव फोर होता है, तो सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी वन। और अगला है सेवन अपॉन फिफ्टीन, सेवन अपॉन में फिफ्टीन, तो अब देखिए फिफ्टीन है तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा टू टू जा फोर, सेवन जा ट्वेंटी एट से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वेंटी एट से मल्टीप्लाई करेंगे। और थ्री टेन जा, तो इसको फोर्टी टू से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा छः पंच तीन सौ, चार सौ बीस, और इक्कीस को नौ से करेंगे नौ, और नौ दुनिया अट्ठारह, चार सौ बीस। और अगला आएगा ये तो नीचे चार सौ बीस हो जाएगा, और आठ सत्ते छप्पन के छः, कैरी पाँच, सात दुनी चौदह और पाँच उन्नीस, ये हो जाएगा। और इसके लिए थ्री टू जा सिक्स और फोर थ्री जा ट्वेल्व, एक सौ छब्बीस बटे में चार सौ बीस, तो ये हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पिज्जा किसने खाया था, रविता ने, तो यहाँ पे रविता पे मतलब लिखना था लार्जेस्ट पिज्जा, तो रविता ने सबसे ज़्यादा खाया। अब कह रहा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, तो असेंडिंग यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा जो था ये थ्री बाई टेन जिसका था कविता, तो सबसे छोटा कविता, फिर एक ही है तो इसी से मिल जाएगा, कविता बबीता सविता रविता, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट सवाल देख, अब वर्कशीट संख्या एट है, इसमें सीबी वर्कशीट संख्या एट क्लास नाइन्थ के लिए, तो इसमें आपको भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग के बारे में कह रहा है। जब हम भिन्नों को
पूर्ण संख्या को उचित या विषम भिन्न से गुना करते हैं तो हम हर को समान रखते हुए पूर्ण भिन्न को अंश से गुना करते हैं। यानी देखिए 7 है और 3/4 दिया तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को ही। जब दो भिन्न को गुना करने के लिए अंश को अंश से और हर को हर से अलग अलग से गुना करेंगे, जैसे 4 × 2 = 8 हो गया। अर्थात जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर आप जानते हैं जो कि ऊपर में कम होता है और नीचे में ज़्यादा होता है, और इम्प्रॉपर ऊपर में ज़्यादा होता है और नीचे में कम होता है, इसको इम्प्रॉपर कहते हैं। तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें बेस जो है, बेस क्या है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा और ऊपर वाले को, न्यूमिनेटर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। और जब हम टू फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जब हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन जो होता है, डिवीजन में हम रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं भिन्नों का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम जैसे 3/4 है तो इसका व्युत्क्रम हो गया, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में यानी 4/3 हो जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 हो जाए। 3/4 और 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट गया, ये कट गया तो 1 हो गया। तो ऐसा नंबर जिसको उससे इसे मल्टीप्लाई, उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाए। अब कह रहा है एक भिन्न को दूसरे भिन्न से विभाजित करना। हम विभाजित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ है 2/3 को डिवाइड करना है 3/4 से, तो हमें क्या करना होता है, 2/3 को एज इट इज लिखेंगे 2/3 और फिर इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे कन्वर्ट, और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो रेसिप्रोकल यानी 4/3 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन होता है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, यानी 2/4 और 3 × 3 यानी 8/9 हो गया इसका आंसर। और इसमें लिया हुआ है 2/5 लिया है, 2/5 और मल्टी डिवाइड है 3/4, तो 2/5 और डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा 4/3 हो जाएगा, तो 4 × 8/15 आंसर आया। अब इसको देख करके सवाल कह रहा है, पूरा करने के लिए कह रहा है, और एक ऑनलाइन गेम में 60 स्तर है, निम्नलिखित तालिका को विभिन्न स्तरों को पूरा करने के बाद प्राप्त पुरस्कारों को दर्शाता है, ये टेबल दिया है। अमिता ने 47 स्तर को पूरे कर लिए जो, तो उसे क्या इनाम मिलेगा। अर्थात ये कह रहा है जो कि एक ऑनलाइन गेम हैज 60 लेवल, द फॉलोइंग टेबल शोन एज द रिवार्ड अनलॉक आफ्टर कंप्लीटिंग वेरियस लेवल। वेरियस लेवल पे कंप्लीट करने के बाद आपको इनाम मिलता है। अमिता ने 47 लेवल कंप्लीट किए तो उसे क्या मिलेगा। अब देखिए, अब इसको हम 47, अब किसी का जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 47 को, या इसमें देखिए 4/5 में कितना है, 4/5 करते 60 का तो क्या होता, 12 × 5 = 68, तो 48 हो जाने पे, 48 या उससे ज़्यादा हो जाने पे उसको जीप मिलता, तो 48 तो है नहीं, उससे एक कम है, 47 है तो उसे ड्रेस मिलेगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट कह रहा है एक 1 पैकेट ऑफ बिस्किट रिक्वायर्स 2/2/3 यानी बिस्किट में 2/2/3 फ्लोर चाहिए, आटा चाहिए, और इतना कप शुगर चाहिए, और प्लस में 1/2 शुगर चाहिए। एस्टिमेट टोटल क्वांटिटी ऑफ बोथ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन 10 सच पैकेट ऑफ बिस्किट विल बी, यानी ऐसे 10 मतलब अनुमान लगाना है ऐसे 10 पैकेट बिस्किट के लिए कितने ये चाहिए, तो वैसे देखें तो ये 2.5 से ज़्यादा है, और ये 1.5 है तो इसको जोड़ करके करते हैं तो 4 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 4 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा, तो बिटवीन 40 to 50 कप, वैसे आप इसको जोड़े तो ये देखिए ये हो जाएगा 3 × 6 = 2 8/3 और प्लस में 3/2। अब LCM 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 8 × 2 = 16 और प्लस में 9, तो ये हो जाएगा 25/6। अब 6 × 24 होता है और 1/6, तो इसको 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसको 10 से करेंगे तो ये 250/6 हो जाएगा, तो ये 40 तो हो ही जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 और फिर 4/6 रह जाएगा, तो 40 से ज़्यादा और 50 से कम।
तो ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है इन अ फ्रूट जो शॉप 3/5 ऑफ 25 एप्पल्स आर यूज ऑन मंडे। मंडे को इसने 25 किलो का इतना भाग यूज कर लिया जूस के लिए। नेक्स्ट डे 3/4 ऑफ वाट लेफ्ट यूज वेट इन एप्पल लेफ्ट ऑन वेडनेसडे इज। अर्थात ये कह रहा है जो कि फलों के जूस की एक दुकान पर सोमवार को 25 किलो का 3/5 भाग यूज कर लिया। तो 25 किलो का 3/5 भाग कितना हो गया, तो इसको करते हैं तो 5 या 15 केजी हो जाएगा, 15 केजी हो गया। अब कह रहा है जो अगले दिन शेष बचे हुए भाग का, तो शेष कितना बचा, 15 गया तो 10 बचा, 10 केजी का वो 3/4 भाग यूज कर लिया, 3/4 भाग यूज कर लिया अगले दिन। तो 2 से ये जाएगा, ये बचा 5, तो ये हो जाएगा 15/2, ये अब बचा। अब बुधवार को कितना बचेगा, तो बचा था अब 10 था, 10 में से 15/2 सब्सट्रैक्ट कर लिया तो ये हो जाएगा 2, और ये 20 में से 15 यानी 5/2 बचा आंसर, 5/2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है तीन दोस्त नितिन, विनीता और रिया फिल्म देखने गए। सिनेमा हॉल में 820 लोगों को बैठने की जगह थी। फिल्म नितिन ने अनुमान लगाया कि 3/4 भरा हुआ था। विनीता ने अनुमान लगाया कि यह 2/3 भरा हुआ था। तो रिया ने अनुमान लगाया कि 4/5 भरा था। टिकट कार्यालय में 650 बिक्री की सूचना थी। जिस मित्र ने बेहतर अनुमान लगाया वह बताए। तो देखिए 820 का सबका निकालें, 820 का हम जो 3/4 है, 3/4 करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 8 और सॉरी 2 × 8 और ये हो जाएगा 0, 5 × 20 तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 615 हो गया। अब विनीता ने 2/3 लगाया, तो विनीता 820 का 2/3 लगाते हैं, तो 2/3 जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से जाएगा नहीं, अप्रोक्सी आएगा। तो देखिए 3 × 2 = 6 और ये बचा 2/2 = 21, 1/0 तो इतना बचा, इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 0.6, 3 × 2 = 6, 27 × 2 = 54, 546.6 के आसपास। अब ये रिया ने अनुमान लगाया कि 4/5 भरा हुआ है, तो रिया का 4/5 820 का 4/5 करते हैं तो देखते हैं, इसको 5 से करते हैं, 5 × 5 3/2 = 20, 3/2 = 32, 6×5 = 30 और 2/0 बचा तो 5×20 तो ये देखते 4×16 और 16×64 165 656 हो गया। तो किसका अनुमान सही है, किसका ये सबसे नज़दीक है, तो देखिए 656 615 और ये था, तो 656 वाला सही है। तो 656 किसने दिया था, 656 ने रिया ने अनुमान लगाया, तो रिया का ये सही है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।